कहता है ए बॉल 25.25 केजी अटैच टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, काइनेमेटिक्स ऑफ द ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अगर ये कहता है कि एक बॉल है, ठीक है चलो, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसमें एक स्ट्रिंग अटैच है, उसमें एक बॉल है जिसका मास 0.25 केजी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ इज इक्वल टू 1.96 है, ठीक है। अब इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है, इसको जो मैं घुमा रहा हूँ, तो इसमें जो मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम फोर्स स्ट्रिंग में, या मैक्सिमम टेंशन, वो हो सकता है 125 न्यूटन, वो हो सकता है 25 न्यूटन, समझ रहे ना। कोई भी स्ट्रिंग है, अगर उसको खींचोगे तो एक लिमिट के बाद यार टूट जाएगी, ठीक है। ऐसी दुनिया में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बनी कि अगर उस पर खींचोगे वो टूटे नहीं यार, वो डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहे हो ना। फैन है, रूम में फैन लगा हुआ है, फैन को पकड़ के नीचे से खींचो, ठीक है। अब मान लो एक बहुत मोटा आदमी सुसाइड करने गया, फैन ही टूट के नीचे आ गया, छत ही नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसी दुनिया में कोई रॉड ही नहीं है जिस पे फोर्स लगाया जाए वो लिमिट के बाद टूटे ना। तो हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम फोर्स है उसमें 25 न्यूटन, इससे ज़्यादा करोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन ब्रेक होने के बाद पार्टिकल हमेशा लीनियर में जाता है, सर्कुलर मोशन ब्रेक होने के बाद पार्टिकल हमेशा लीनियर में जाएगा, ठीक है। अगर क्योंकि उसकी वेलोसिटी लीनियर होती है, अगर यहाँ पे ब्रेक होगी तो यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे ब्रेक होगी तो इधर जाएगा, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच बॉल कैन बी मूव। अब कितना इसको मैक्सिमम स्पीड से, जब फोर्स मैक्सिमम होगा तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी, तो उस वक्त जब फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा उस वक्त स्पीड मैक्सिमम हुई होगी, तो उस मैक्सिमम स्पीड को निकालना है। तो जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स लगता है यार, वो कौन सा फोर्स होता है? सेंटीपेटल फोर्स होता है, mv² / r। अगर नॉर्मल फोर्स है तो वेलोसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ नॉर्मल फोर्स नहीं है, यहाँ एक स्पेशल फोर्स, मैक्सिमम फोर्स है। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल रेडियस, और इस वक्त वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये हमें चाहिए। चलो मास की वैल्यू डालो 2. अब सबको इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 25, और मास जो है कितना है यार, मास 0.25, और रेडियस कितना है, रेडियस दिया है क्या, 1.96 मीटर, एंड दैट इज वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो 1.96, 25 को पॉइंट ने पॉइंट को, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो है, वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू 196 रूट के अंदर, 196 रूट अंडर कितना होता है यार, 14 होता है, ठीक है। तो ये, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो,